दोस्तों मैं हूं डॉक्टर इमरान कादिर और आज मैं डिस्कस करूंगा एक प्रोडक्ट के बारे में जो इस्तेमाल होती है मर्दाना बांझपन के लिए यानी कि मेल इनफर्टिलिटी के लिए। दोस्तों ये कि जो मेल इनफर्टिलिटी है वो ओवरऑल जो कपल्स की इनफर्टिलिटी है उसमें 40% में पाई जाती है, यानी कि अगर हम इनफर्टाइल कपल जो है यानी जो बे औलाद जोड़े हैं उनमें से देखें तो 40% काज मर्दों की ही होती है। इसको हम डिफाइन करना चाहें तो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि एक जोड़ा अगर एक साल तक पास रहता है और रेगुलर उनका जिंसी तल्लक रहता है तो फिर भी एक साल के बाद भी उनके बच्चा पैदा नहीं होता और जो मेल पार्टनर है उसके सीमन का जो टेस्ट है उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो ये हम इसको अब लेबल कर देंगे कि ये मेल इनफर्टिलिटी का केस है। सीमन टेस्ट इसका की रोल होता है मेल इनफर्टिलिटी को चेक करने के लिए और सीमन टेस्ट में हम स्पर्म को चेक करते हैं, स्पर्म की हम मोटिलिटी को चेक करते हैं कि उसकी वो मोटाइल है यानी उसकी स्पीड कैसी है, वो चल रहा है या वहीं पे घूम ही जा रहा है या वहीं पे स्टैटिक डेड पड़ा हुआ है, ये देखते हैं। उसकी शक्ल को देखते हैं कि वो सही शक्ल का है, उसकी टेल, उसका हेड, ये सारी चीजें देखते हैं, इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ये देखा जाता है। और उसकी क्वांटिटी को देखा जाता है कि उसकी मकदार कम तो नहीं है यानी कि और या बिल्कुल एब्सेंट तो नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो ये ओलिगोट्रेटोस्थिनोस्पर्मिया होता है जिसमें स्पर्म मौजूद होता है लेकिन उसकी या क्वांटिटी कम होती है या उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि शक्ल सुर्ख मसला होता है या वो डेड होते हैं या उनकी तादाद कम होती है। जो मर्दों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड्स होगी, सेकिंग ग्लैंड होगी और भी काफी सारे ग्लैंड्स होते हैं। इनमें अगर इन्फेक्शन हो गई है किसी एसटीडी की वजह से हुई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, यूटीआई की वजह से हुई है या किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो गई है, वो इन्फेक्शन जो है वो फ्री रेडिकल्स निकालते हैं यानी ऑक्सीडेंट्स निकालते हैं जिसमें H2O2 हो गया, OH हो गया और इसके अलावा O2 हो गया, ये कि जो फ्री रेडिकल्स हैं ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो इस इन्फेक्शन की वजह से निकलते हैं और स्पर्म्स को डैमेज करते हैं। ये तो होगी बाहर से जो काज आ रही, खुद जो स्पर्म है उसका एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म है उसकी वजह से जो है ना फ्री रेडिकल्स जो हैं वो निकल के स्पर्म को डैमेज करते हैं। अब देखते हैं स्पर्म की किस चीज़ को डैमेज करते हैं। वो स्पर्म की जो प्रोटीन को डैमेज कर सकते हैं, स्पर्म के अंदर जो प्रोटीन्स है उसको डैमेज कर सकते हैं, उसकी लिपिड पेरोक्सीडेशन कर सकते हैं यानी कि जो उसके अंदर लिपिड है उसको घुला देते हैं, खुर जाती है लिपिड। इसके अलावा बायोमेम्ब्रेन डैमेज कर देते हैं, एक मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है स्पर्म के ऊपर, उस लेयर को वो डैमेज कर सकते हैं ये फ्री रेडिकल्स, या डीएनए को डैमेज करते हैं। डीएनए जो मेन उसका इंफॉर्मेशन मटीरियल होता है डीएनए, वो दरमियान में होता है सीमन के स्पर्म के दरमियान में, उसको भी डैमेज कर देते हैं। ये जो चीजें हैं ये इनको फ्री रेडिकल्स इन सबको डैमेज कर रही हैं, उसकी वजह से स्पर्मेटोजोल डिसफंक्शन हो जाती है यानी कि जो स्पर्म है वो डिसफंक्शन हो जाता है, उसके उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं वो आगे देखते हैं। उसकी मोटिलिटी को कम कर सकते हैं, स्पर्म मोटिलिटी कम हो जाएगी, स्पर्म काउंट कम हो जाएगी और उसका स्पर्म का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये इसी तरतीब से भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो पहले उसकी मोटिलिटी कम होगी, मोटिलिटी कम हुई है तो फिर काउंट कम हो जाएगी, काउंट कम हुई है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मिलके मेल इनफर्टिलिटी यानी कि मर्दाना बांझपन काज करते हैं। एक रिसर्च से लिया गया, वो रिसर्च को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिखा भी देता हूँ और अपनी डिस्क्रिप्शन में उसको डाल भी दूंगा उसका लिंक। अब अगर आगे हम बात करते हैं कि एक प्रोडक्ट की वाइटिक एमआई के नाम से ये लॉन्च हुई है, ये प्रोडक्ट के अंदर जो चीजें हैं वो मेल इनफर्टिलिटी के लिए यूज होती है। अच्छा ये इसमें प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा हैं और उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि ये टैबलेट फॉर्म में नहीं आ सकती थी, इसलिए इसको साशे फॉर्म में अवेलेबिलिटी इसकी होती है मार्केट वाइटिक एमआई के नाम से। इसमें जो की प्रोडक्ट है वो है एल कार्निटिन एंड एसिटाइल एल कार्निक।
ये जो प्रोडक्ट है ये स्पर्म के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करती है और स्पर्मेटोजोआ को एनर्जी देती है ताकि वो अवेलेबल रहे और उसका पॉजिटिव इफेक्ट रहे और उसकी वजह से जो है अगर पेशेंट को काउंट कम हो रही है, मोटिलिटी कम हो रही है या उसकी जो और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो ना आए। इसमें स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज कर जाती है, स्पर्म की मैच्योरेशन बेहतर हो जाती है इसको लेने से, स्पर्मेटोजेनिक प्रोसेस जो है वो बेहतर हो जाता है। सारा प्रोसेस यानी कि स्पर्मेटोजेनिक प्रोसेस ये होता है कि एक सेल से जो स्पर्म का बनने का प्रोसेस है इसको 64 डेज लगते हैं, यानी कि पहले एक सेल होता है वो डिवाइड होकर स्पर्मेटीड बनता है, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस होकर वो एक स्पर्म की शक्ल बन जाती है, यानी कि एक खुलिए से एक स्पर्म के बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। उस प्रोसेस को भी ये बेहतर करती है कार्निटिन और एसिटाइल कार्निटिन। ये एक जो है ना जनरल से लिया गया है, ये जनरल को भी मैं लिंक में दे दूंगा और अभी आपको शो भी कर देते हैं। जो एसिटाइल कार्निटिन एक रिसर्च हुई यानी मेटा एनालिसिस हुआ, उसमें मल्टीपल रिसर्चेस को इकट्ठा किया और उसमें देखा गया कि जो मोटाइल स्पर्मेटोजोआ है ना उसके ऊपर कितना इफेक्ट आया, ये आपको ग्राफ में यहाँ पे शो हो रहा है, और मीन वेलोसिटी उसकी कितनी इंक्रीज हुई और नंबर ऑफ इजेकुलेटेड स्पर्मेटोजोआ यानी कि एक दफ़ा जो मनी निकली उसमें से जितनी तादाद में इजाफा हुआ, स्पर्म्स की तादाद में इजाफा हुआ वो कितना हुआ, वो ग्राफ्स में आपको शो कर रहे हैं। और ये जो है ना जिस स्टडी से ये लिया गया है उस स्टडी को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और अभी आपको उसके थोड़ा सा प्रीव्यू भी दे देते हैं। ये था एल-कार्निटिन का और एसिटाइल-कार्निटिन का इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि YTMI में और क्या क्या प्रोडक्ट्स डाली गई हैं और उनका क्या फंक्शन है। एल-कार्निटिन के अलावा इसमें डाला गया है जिंक को और 10 mg जिंक है एक साशे में, फिर फोलिक एसिड 200 μg डाला गया है, सिलीनियम 50 μg डाला है और सिलीनियम का बड़ा रोल है इसमें वो भी मैं बताता हूँ क्या क्या करता है। फ्रुक्टोज इसमें है 1000 mg एक साशे। फ्रुक्टोज जो है वो न्यूट्रिशन होती है स्पर्म्स की, जब स्पर्म्स ने मूव करना है टेस्टिस से एंड एजेकुलेशन एंड तक, यानी कि टेस्टिस से लेके जब तक वो स्पर्म फीमेल के जेनिटल ऑर्गन तक पहुंच रहे हैं वहां तक इसको मेल के अंदर फ्रुक्टोज एज ए न्यूट्रिशन चाहिए होती है। जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी भी ठीक रहे, उसकी मॉर्फोलॉजी भी ठीक रहे, वो डेड ना हो, तो ये एक न्यूट्रिशन के तौर पर उसको फ्यूल कह लें रस्ते में देने के लिए। सिट्रिक एसिड का रोल है 50 mg ये डाला गया, विटामिन सी है 90 g और विटामिन B12 1 μg इसमें डाला गया और इसके साथ देखिए कोएंजाइम Q10 20 mg है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे भी यूज होता है, ओवरऑल ये मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करता है। मेटाबॉलिज्म ये होता है कि जो किसी भी चीज को मेंटेन रखने के लिए जो प्रोसेस है वो बेहतर रहता है। एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि प्रॉपर इस स्पर्म को एनर्जी मिलती है कि वो उसकी मोटिलिटी भी ठीक रहे वो और उसमें डेड भी ना हो। फिर ये है कि ये सारी चीज़ें मिलकर पीएच को भी मेंटेन रखती हैं इस पूरे सीमन के ताकि डेड ना हो जाए, डीएनए सिंथेसिस भी करती हैं, ये सारी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट भी काम करती हैं और प्रोडक्शन को भी बेहतर करती हैं और डीएनए सिंथेसिस भी करती हैं। डीएनए जो मेन मटेरियल होता है जिसने आगे पहुंचना होता है और जिससे जो है ना फिर उस डीएनए मटेरियल से ही नेक्स्ट जो बेबी है उसने बनना होता है। इसके साथ प्रोटेक्ट डीएनए फ्रॉम डैमेज, ये सारी चीजें जो है ना डैमेज जो होता है डीएनए का डैमेज है उसको भी रोकती है। ये सब चीजें होने से क्या होता है, स्पर्म की एनर्जी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, स्पर्म की मैच्योरेशन और फंक्शन जो है ना वो बेहतर हो जाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है ना स्पर्म के ऊपर वो कम हो जाता है और एट द एंड नॉर्मल स्पर्म डेवलपमेंट होती है और फर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि स्पर्म मेंटेन रहता है, नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, नॉर्मल मोटिलिटी होती है, शक्ल सूरत नॉर्मल होती है और उससे फिर बांझपन का इलाज होता है यानी कि अमल ठहर जाता है। ये जिस रिसर्च से लिया गया है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा
और इसके साथ साथ इसके जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको मैं थोड़ा सा आपको प्रीव्यू भी दे देता हूँ। वाइटिंग एमआई जो है इसमें ये फैसिलिटेट करता है स्पर्म की एनर्जी मेटाबॉलिज्म को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है और मैच्योरेशन और फंक्शन को बेहतर करता है। इसी से स्पर्म का काउंट बेहतर हो जाता है, स्पर्म की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, स्पर्म की मोटिलिटी बेहतर हो जाती है। दोस्तों इसको लेना होता है दिन में दो दफा, यानी कि जो ट्वाइस अ डे 24 घंटे में दो दफा इस ये साशे लेने हैं, तो फिर इसकी एक्चुअल जो क्वांटिटी है रिक्वायर्ड बॉडी को चाहिए वो पूरी हो जाती है। जैसे एल-कार्निटिन और एसिटाइल एल-कार्निटिन की एक स्टडी थी जिसमें 3 ग्राम तक लिया गया था तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। और ये साशी के फॉर्म में है, इससे पहले इससे मिलती जुलती और प्रोडक्ट्स थी वो इम्पोर्ट होकर आती थी, उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती थी तो यूज़ कम किया जाता था, तो ये कंपेरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और इससे अगर हम इसको 4 मंथ्स तक लेते हैं तो इससे हमारे जो स्पर्म्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है। इसको एज लॉन्ग एज लेते जाना होता है। और कुछ दोस्त पूछते हैं कि कितना लंबा लें। देखिए 4 मंथ तक लेना है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है तो आप फर्दर जो है ना 6 मंथ तक इसको ट्राई कर लें। अगर 6 मंथ के बाद भी आपको लग रहा है कि जो है नहीं हमें ठहर रहा और बेहतरी नहीं आ रही, तो फिर आप फर्दर IUI की तरफ जा सकते हैं। IUI पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप फर्दर IUI पे जाएं ताकि IUI से भी प्रेगनेंसी अचीव हो सके। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो वाइटिक MI के ऊपर। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसके मतलब अगर मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट में लाजमी लिखिएगा। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।